ई वॉज बॉर्न बॉटअप इन गुड़गांव इट्स इन हरियाणा नियर डेली और स्कूलिंग गुड़गांव से की और स्कूल लेवल पर मैंने आई स्टार्टड डांसिंग ऑन स्टेज एंड आई वॉज इन टू मार्शल आर्ट्स तो एक कुछ अलग करने का तभी से आई थिंक कुछ शॉक हो गया था और काफ़ी अप्रिसिएशन मिलता लोगों से तो और मोटिवेशन मिलता था कुछ करने का एंड देन आई वॉज इन क्लास इलेवेंथ आई डिड माई फर्स्ट प्ले लाइक लाइक अ फुल फ्लेज स्कूल लेवल प्ले जिस में आई डिट द लीड पार्ट सो आई थिंक तभी से आई डिसाइडेड के आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर बिकॉज आई थिंक वो मुझे बहुत अच्छा लगा था और इन लोगों का जो प्यार मिलता है आपको सडनली uh, आप एक स्पेशल चाइल्ड बन जाते हो स्कूल के तो आई थिंक ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड आई आई थॉट के दिस समथिंग आई वॉन्ट डू इन लाइफ एंड दैट्स हाउ आई डिसाइडेड टू बी एन एक्टर एंड आई आफ्टर माई हायर सेकेंडरी आई जॉइंड इंस्टीट्यूट इन फॉर एक्टिंग इन डेली श्री राम सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट्स आई वॉज देव फॉर टू ईयर्स देन आई वॉज विद थिएटर रेप्यूटरी कंपनी इन डेली कॉल्ड क्षितिज आई वॉज विद दैम एंड i finished my graduation along with uh, theatre and then i joined FDI. it's an institute in pune, film institute. Uh, i joined that uh, in 2005. i was studying acting there for two years. and in 2008, i came to bombay. Uh, in february 2008. and 2009, i got lsd love sex or dhoka, my first film. and from there on, it, it's still going on. I think, I think now, when i go back and think about it, i think it's a stupidity. What I have done, it's absolutely stupidity. Nobody should ever do that again because uh, I think हमारी जान जा सकती थी एकदम बहुत ही माइक्रो सेकेंड से हम लोग बचे थे पर ये कि मैं बचपन से थोड़ा फिल्मी था आई थिंक जो मैं फिल्म देखता था मैं कुछ एक महीने के लिए वो कैरेक्टर बन जाता था जैसे कि मैं अगर घातक का घातक देखी तो मैं सनी देओल बन जाता था मैंने बाजीकर देखी तो मैं शाहरुख बन जाता था अग्निपथ देखी तो मैं विजय बन जाता था तो ये था एक कीड़ा शुरू से एक्टिंग का तो उसी दौरान जब गुलाम देखी हमने टी वी टेलीविजन पर तो हमें लगा कि हम रेलवे ट्रैक्स पे घूमने जाया करते थे तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आया कि uh, कुछ करके देखते हैं हम भी पर uh, हो गया भगवान ने बचा लिया हमें बट आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली क्रेजी व्हाट व्हाट वी डिड एंड नो बडी शुड एवर डू दैट अगैन ऑफकोर्स एवरीबडी इज बॉन्ड सो एक्टर्स आर ऑल्सो बॉन्ड बट एज दो बडी कैन टीच एक्टिंग और नो बडी कैन बट आई थिंक पीपल कैन लर्न एक्टिंग

टू वॉच रियली गुड परफॉर्मेंसेज ज मैंने जिनका मैंने नाम भी नहीं सुना था वे आई वॉज इन डेली तो आई थिंक ये बहुत हेल्प करता है अगर आप किसी अच्छी जगह से कुछ कर रहे हैं तो ऑफकोर्स इट हेल्प यू फ्राम फ्राम बॉम्बे मुंबई फिल्म हिंदी फिल्म इंडस्ट्री आई थिंक इरफान खान आमिर खान मनोज वाजपेयी ये सब लोग मेरी इंस्परेशन रहे हैं एंड फ्राम हॉलीवुड तो बहुत हैं एक्चुअली डैनल डेलिस हैं रॉबर्ट डेनीरो हैं और मेडिल स्ट्रीप हैं एल्परची हैं डस्टिन हॉफम है लॉर्ड ऑफ लॉर्ड ऑफ ग्रेट टैलेंट अगर मौका दिया जाएगा तो ऑफकोर्स मैं डैनल डेल्विज़ के साथ एक फिल्म करना चाहूँगा बिकॉज आई थिंक जस्ट बाय वाचिंग हिम मैं इतना मुझे इतना कुछ सीखने को मिल जाएगा दैट विल बी लाइक एन एक्टिंग कोर्स फॉर मी इरफान खान है आमिर के आमिर uh, आमिर सर के साथ मैं काम कर चुका हूँ पर ऑफकोर्स उनके साथ एक और uh, एक फिल्म करना चाहूँगा जहाँ पे यू नो दिल बी मच फॉर मोर फॉर मी टू डू इट आई थिंक एल एस डी वॉज माई फर्स्ट फिल्मो इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म टू माई हार्ट क्योंकि हर किसी की फर्स्ट फिल्म उनको ज़िंदगी भर याद रहती है जैसे कि पहला प्यार जिंदगी भर याद रहता है तो आई थिंक एल जब मुझे मिली तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज दिबाकर बनर्जी इज वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ और पहली फिल्म में उनके साथ काम करना और uh, एक, uh, एक, uh, एक एक वन ऑफ द लीड पार्ट्स करना है उनकी फिल्म में थिंक इट वॉज अ ड्रीम फॉर मी एज एन एक्टर यू नो वन यू पास आउट फ्रॉम इंस्टीट्यूट यू हैव लिस्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स यू वॉन्ट वर्क विद सो आई थिंक दिबाकर बैनर्जी उसमें कुछ टॉप में नाम था और पहली फिल्म में उनके साथ मिलना तो आई थिंक इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू तो आई थिंक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा पूरी फिल्म का हम लोगों ने जिस तरह की फिल्म शूट की बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म थी और इसी तरह का काम मैं करना चाहता हूँ आगे भी बहुत ही जो विच इज़ you know, वेरी रियलिस्टिक यू नो वेरी पीपल कैन कनेक्ट टू द कैरेक्टर पीपल कैन रिलेट टू द कैरेक्टर्स तो उसी तरीके का काम करने का मौका मिला तो आई थिंक इससे ज़्यादा मुझे एज़ एन एक्टर कुछ चाहिए नहीं था आई थिंक सबसे पहले तो कहानी होती है एक आप क्या स्टोरी आप कहना चाहते हैं तो आई थिंक सबसे पहले वही होती है अगर स्टोरी स्टोरी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें अपने आप उसके बाद ठीक होती चली जाती हैं उसके बाद स्टोरी के बाद आई थिंक योर कैरेक्टर कॉम्स के आप उस स्टोरी में कितना कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है उस स्टोरी का एंड देन द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर लॉट ऑफ थिंग्स काम तो आई थिंक सबसे पहले बट द बेसिक द मेन एलिमेंट इज द स्टोरी मैंने काफ़ी टचवुड मैंने काफ़ी अच्छे लोगों के साथ काम कर चुका हूँ मैं दिबाकर बैन जयनराग कश्यप हंसल मेहता अभिषेक कपूर बिजॉय uh, अभी नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ नवदीप सिंह के साथ जो कि अगेन ही इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर ही मेड दिस फिल्म कॉल मनोरमा लॉन्ग बैक नाउ ही स्टार्टिंग इज अनदर फिल्म कॉल एन एच टेन विद मी एंड फ्रीडा पिंटो विकास बहल के साथ मैंने अभी एक फिल्म ख़त्म की है क्वीन उसके बाद नेक्स्ट है निखिल आडवानी की एक फिल्म है और फिर मेरी रागनी की डायरेक्ट राग्नी में उसके डायरेक्टर हैं पवन उनकी एक नेक्स्ट फिल्म है तो है कुछ अच्छी अच्छी लिस्ट है अभी आगे आई थिंक अभी तक जो भी मैंने फिल्म्स की हैं सब सभी में मेरे जितने भी को एक्टर्स रहे हैं सबके साथ बहुत ही बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बट वह कायपुछे के बारे में कह सकता हूँ बिकॉज अभी अभी एकदम फ्रेश फिल्म आई थी और एक फ्रेंडशिप के ऊपर फिल्म थी और हम तीनों फिल्म से पहले एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे पर आई थिंक एक समथिंग मैजिकल एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग आर स्क्रीन टेस्ट ओनली हम तीनों की जो एक बॉन्डिंग थी वो बहुत ही नेचुरली इट वॉज प्रेजेंट देयर तो आई थिंक वो स्क्रीन पे भी जब आप देखते हैं तो ऐसा लग गया कि ये बहुत ही गहरे दोस्त हैं और एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था तो आई थिंक कायपुछ एक बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस है जहाँ तक को एक्टर्स की बात है तो आई थिंक बहुत ही एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हम तीनों ने शेयर किया मिल इस, इस फिल्म को बनाने के दौरान दोनों आई थिंक बहुत ही ग्रेट एक्टर्स हैं और मेरे तो एकदम भाई जैसे हैं अभी भी हम uh, काफ़ी टच में हैं एक दूसरे के बारे में पूछते रहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है uh, एक दूसरे की सजेशन लेते रहते हैं uh, तो आई थिंक बहुत ही अच्छा है जिंदगी भर के लिए दोस्त बन गए हैं आई थिंक राजकुमार इज जस्ट एन एक्टर एंड लाइक पर्सनली आई है चेंज अट ऑल आई थिंक एम स्टिल द सेम द गायू केम टू मुंबई और द गाय वॉज इन डेली एंड आई आई बी सेम आई थिंक फॉर एवर आई वॉन्ट चेंज एट ऑल आई थिंक सक्सेस फिलेवर चेंज बी मे बी फेलियर माइट बट सक्सेस मिल रहा है वो चेंज में सो आई थिंक लोगों के लिए भी uh, मैं एक एक्टर हूँ जो फिल्म्स में आता है और आई थिंक uh, जब लोग मिलते हैं और थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं कि ओ माई गॉड आप उस फिल्म में थे ना तो आई थिंक इट्स मैं भी आई थिंक ऐसे ही था जब मैं दिल्ली में था और मैं किसी एक्टर को देखता था तो मैं काफ़ी uh, बहुत एक्साइटेड हो जाता था कि ओ oh, ये तो वही है जो उस फिल्म में थे एंड मैं ऑटोग्राफ करने भागता था तो आई थिंक इट्स अ ह्यूमन नेचर बट आई थिंक एज एज एन एक्टर और एज अ पर्सन आई आई एम एम द सेम नो ऐसा कुछ जॉनर नहीं है कि मुझे जॉनर पसंद आता है मुझे बस यह है कि स्टोरी से मुझे कनेक्ट होना चाहिए द स्टोरी शुड मूव मी स्टोरी शुड डू समथिंग टू मी सो दैट आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मुझे ऐसा कोई रोल करना है या ऐसा कुछ काम करना है मुझे बस ये था कि मुझे एक अपने आप को एक अच्छे एक्टर के रूप में uh, साबित प्रूव करना है यहाँ पर uh, तो आई थिंक उसी की वही आज भी दिमाग में है कि कुछ चैलेंजिंग काम करना है कुछ हटके काम करना है जो चला आ रहा है सालों से वो नहीं करते रहना है यू नो अपनी एक अपनी एक अलग पहचान बनानी है अपनी एक अलग जगह बनानी है तो यही है आई थिंक इसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ और कोशिश है यही करने की कुछ आई डोंट थिंक मैं इंटरफेयर करता हूँ पर यह कि अलग अगर मुझे लगता है कि आ, ये चीज़ मेरे कैरेक्टर के हिसाब से नहीं जा रही है या ये, ये चीज़ मेरा कैरेक्टर नहीं करेगा तो ऑफ़ कोर्स आई डिस्कस दैट विद माय डायरेक्टर एंड विद माय राइटर पर मेरी ऐसी कोई दिली ख्वाहिश नहीं है कि मैं एक दिन ऐसा कोई भारी भरकम डायलॉग बोलूँ जो जिंदगी भर लोग याद रखें आई थिंक मैं उस स्कूल ऑफ एक्टिंग से हुई नहीं मैं मैं यहाँ पर डायलॉग बोलने नहीं आया हूँ मैं यहाँ पर कैरेटर्स प्ले करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर कैरेटर्स को जीने के लिए आया हूँ अपने आप को चैलेंज करने आया हूँ तो आई थिंक वो डायलॉग बोलने वाला स्कूल अभी काफ़ी पीछे रह गया है देखिए जो कभी तक काम हो चुका है अगर मैं उसका नाम लो कि मैं रोके रोल करना चाहता हूँ तो आई थिंक वो आ, वो ठीक नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो ऑलरेडी किसी ने कोई कर चुका है और बहुत ही अच्छे से कर चुका है बखूबी निभा चुका है और उसी को रिपीट करना उसी को रीमेक करना कोई फ़ायदा नहीं है आई थिंक बहुत टैलेंट है बहुत क्रिएटिविटी है लोगों में कुछ नया लिखने की कुछ नए करेक्टर्स लिखने की तो यही है कि जो जो कैरेक्टर जब मुझे मिलता है तो वही उस उस वक्त का मेरा ड्रीम होता है उस वक्त का मेरा सपना होता है आ, उसी को सपने को मैं अच्छे से जीना चाहता हूँ अच्छे से आ, पर्दे पर लाना चाहता हूँ तो आ, ऐसा कुछ ड्रीम नहीं है ड्रीम में बाकी चीज़ें हैं उनके लिए करो ज़्यादा अच्छा है इट इट डज टेक टाइम ऑफ ऑफकोर्स लाइक फॉर वेन फॉर इंस्टेंट वेन वी वर शूटिंग रागनी है तो मैं मैं कुछ ज़्यादा ऐसे डरता वरता नहीं था लाइक like, uh, भूत भूत में ज़्यादा कुछ नहीं करता डरता नहीं था पर क्योंकि कैट ऐसा था, था कि उसको बहुत डर लगता है और वो थोड़ा सा घबरा जाता है जल्दी तो अपने आप को वैसा बनाया हमने कि हर चीज़ से डरना शुरू किया किसी भी आहट से किसी भी सन अंधेरे में अकेले में तो आई थिंक वो अब अभी तक घुसा हुआ है लाइक अभी धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ मैं उसको वापस निकालने की जैसा राजकुमार था पहले उसको निकालने की पर यह कि वक्त लगता है क्योंकि आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उस वक्त अपने काम में कि वो एकदम से उसको निकालना थोड़ा टफ़ होता है स्पेशली डिपेंड करता है वो फिल्म भी कैसी है लाइक अभी कोई बहुत ही लाइट हार्टेड कॉमेडी होगी तो अफकोर्स आप उसमें इतनी मेहनत नहीं करोगे कि मैं इस कैरेक्टर में घुस जाऊँ डिपेंड करता है फिल्म कैसी जैसे शाहिद जो मैंने फिल्म की है वो काफ़ी uh, काफ़ी इमोशनल फिल्म है और उसमें आपको उतरना ही पड़ेगा उसमें आपको अंदर तक गहराई तक जाना पड़ेगा कैरेक्टर की सोच के और तभी आप उसको पूरी ईमानदारी के साथ कर पाएंगे uh, तो शाहिद को मैं काफ़ी मिस करता था जब फिल्म की शूट ख़त्म हो गया था तो मैं मेरा मन करता था शाहिद यू नो उसको और प्ले करने में और उसको मिस करता था मैं शाहिद को अपने जीवन में ऐसी हैं कुछ चीज़ें कायपुछे में जब अपने एक्सन पे काम कर रहे थे हम गुजराती पे तो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जब गुजराती हिंदी बोलता है तो कुछ अलग एक लहजा होता है तो वो निकलने में काफ़ी टाइम लग गया वो अभी भी कभी कभी, कभी बोलचाल में आ जाता है तो बहुत शर्म लगती है कि अरे क्या इनको मतलब लोग को लगता हुआ कि इनका प्रोनन्सेशन ठीक नहीं है तो ये सब है वक्त लगता है पर ठीक है हो जाता है धीरे धीरे नो अगर आप अपनी लाइफ को उठा के देखें तो आप जैसे मेरे साथ मुझे एल एस डी के पहले भी कुछ फिल्म मिली थी आ, जो शुरू हुई पर बंद हो गई आ, एक थी जो शुरू ही नहीं हो पाई पर बिकॉज आई थिंक इट वॉज गॉड्स प्लान के यू नो दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू दिस इज़ समथिंग विच आई हव केट फॉर यू टू वर्क ऑन इट सो आई थिंक इज सब कुछ इट्स इट्स इज़ हिज़ प्लान वे जस्ट हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं छत्तीस करोड़ और प्लस अल्लाह प्लस, प्लस वाहे गुरु नानक जी दस हमारे जो uh, गुरु जी हैं और जीसस क्राइस्ट एंड गॉड एंड एवरी वन आई थिंक आई वॉन्ट टू ट्रैवल आई लव ट्रैवलिंग एक्चुअली एंड आई वॉन्ट टू सी एवरी थिंग आई वॉन्ट टू गो टू Uh, I want to go everywhere, I want to see everything, there is no one particular place, I have been to Ajmer Sharif, I have been to, um, I, I go to church, I go to Gurdwara, uh, I go to Haji Ali, I go to ISKCON, I go everywhere, I, I love I love doing it. Yeah. I strongly believe in love, I think it's, it's a very genuine and pure emotion and it really keeps you calm and composed in life. I think if my character uh, will do it, I will do it, depends, I should be very much convinced about doing it.

इट्स लॉट मोर देन दैट स्पेशली नाउ टाइम इज चेंजिंग सो आई थिंक उन सब पे तो ध्यान दीजिए ही पर अपनी एक्टिंग पे भी काम कीजिए बिकॉज इवेंचुअली वही है जो आपको आगे लेके जाएगी सो आई थिंक जस्ट वर्क हार्ड एंड जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड बी फोकस एंड विल बी योर एब्सोलटली जस्ट कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ जस्ट कीप डूइंग रीड डू थिएटर वॉच प्लेज वॉच गुड फिल्म रॉबर्ट डेनो की वन ऑफ हिज अर्ली फिल्म वो मैंने बहुत दिनों से देखी नहीं थी मैं आई डों सम रीजन आई वॉज Uh, I didn't want to watch it. I thought it will be a really long war film, but I just just saw it actually last night, and I'm in love with it. Like, like what films these guys were making in 70s, and it gives me a kick. It, it really inspires me, It really motivates me to do well, um, and it really keeps me down to earth, you know. Very much when I watch a good performance, you realize that you know, you're nowhere actually, you're zero when you watch some good performance. Uh, so I think it, it's really important to keep you down to earth. Uh, बहुत है वी हैव रियली गुड टैलेंट एक तो बहुत मुश्किल है आई थिंक बहुत हैं विद्या बालन है कौनकना है काजोल है रानी हैं अनुष्का है प्रियंका um, है लॉट ऑफ दम आई थिंक इट इट एज समय डू विद माई टेस्ट आई थिंक डायरेक्टर को जो चाहिए अपने कैरेक्टर के हिसाब से स्टोरी के हिसाब से uh, तो आई थिंक उनको वही uh, ज़्यादा अच्छा उसको चूज़ कर पाएंगे एज आई टोल्ड यू आई एम हेयर नॉट टू लाइक choose my actors co-actors or do anything i'm here just to concentrate on my work and do my work my level best yeah i really don't think our film industry is only about glamour glamour now i think time is changing now it's 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 also about performance it's also about good work now and i'm really glad it's also about good work now well thank you so much for um, i guess kaipo che must have really there also and thank you so much it's